हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज पुणे में मेरा पांचवा दिन है, तो आज हम आए हैं थेऊर। और थेऊर में हम एक अष्टविनायक का दर्शन करने वाले हैं जिसका नाम है चिंतामणि। तो अभी हम यहाँ पर जस्ट एंटर किए हैं, अब आगे का मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। चलो आप देखिए, ठीक ये कमान है जहाँ से हम आप अंदर जाएंगे। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो पार्किंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है सब कुछ। और फिर चिंतामणि गणपति मंदिर आपको सामने ही दिखता है, तो आपको बहुत सारे शॉप्स भी दिखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप शॉप कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो उससे पहले हमें एक और एक मंदिर मिलता है जिसका नाम है विठ्ठल रुक्माई मंदिर, जो अभी फिलहाल बंद है। तो हम जाने वाले हैं चिंतामणि मंदिर के पास सीधे सीधे। यहाँ पर फूल और प्रसाद सिर्फ 10 रुपए में मिल जाता है, और अभी हम ले रहे हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लंबी लाइन है दर्शन के लिए। यहाँ पर है थोरली माधवराव पेशवे स्मारक, जो अब हम देखने वाले हैं। तो ये है थोरली माधवराव पेशवे का स्मारक। अब हम देखने वाले दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जो कि चिंतामणि मंदिर के अंदर ही है। तो अभी हम लाइन में मंदिर को जाने के लिए, ये सर अगर हमने एक अष्टविनायक हम कंप्लीट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मंदिर के बाहर और एक मंदिर है जो है हनुमान जी का मंदिर, जैसे कि आपने देखा अभी तक। तो यहाँ पर है महादेव मंदिर, और जिसके सामने है एक बड़ा नंदी, और फिर वहाँ पर एक विष्णु मंदिर है जो अब हम देखने वाले हैं।
तो ये है विष्णु मंदिर। और यहाँ पर मिलता है प्रसाद और ये खुलता है 12 से 2 बजे तक। और यहाँ पर ये महाप्रसाद जो हम अंदर जाकर खाएंगे। तो चिंतामणि मंदिर में हमें भक्त निवास भी मिलता है जिसकी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है। तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है चिंतामणि गणेश का। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते होंगे देखना मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।